दीपावली को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पूरी तरह अलर्ट नजर आ रही है, जिसको लेकर आज उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर वाहनों और खाद्य दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ वाहनों के लाइसेंस रिन्यूएबल नहीं पाए गए, साथ ही कुछ दुकानों पर गंदगी का अंबार मिला। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकानदार को जमकर फटकार लगाई, साथ ही साफ सफाई पर विशेष जोर दिया। इस दौरान संदेह के आधार पर बतेसा, रसगुल्ला, मिल्क केक, दूध, दही, मावा, घी और पनीर के लगभग एक दर्जन से अधिक के नमूने जांच के लिए भेजे गए। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यूपी बॉर्डर यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पर दूसरे गाड़ी भी लगी थी और उसके बाद हमने जसपुर में किसान है जो मिठाई मावा दुग्ध पदार्थ बेच रहे हैं उनका चेकिंग के दौरान हमने कुछ संदिग्ध खाद्य पदार्थ हमने उनके नमूने भी हमने संग्रहण किए। लगभग अभी तक हमने जो है 7 नमूने संग्रहित किए। उनको सब कुछ नोटिस दे रहे हैं, ना लाइसेंस बना रहे हैं, नहीं तो लाइसेंस भी बनाते हैं, उनको जो है चालानी कार्रवाई की जाएगी। अभी हम चेकिंग करेंगे, अभी हमने तो मावट्टी पर भी हम चेकिंग करेंगे, वहाँ पर किस प्रकार मावट बन रहा है अभी हम जो है चेकिंग करेंगे। अभी हम यहाँ से बात कर रहे हैं मार्केट में जो दुकान है कहाँ से वो माल ला रहे हैं और उनका लाइसेंस है नहीं, ये चेक किया जा रहा है। एक पूरे दिवाली के हद तक तो रही गए, उसके आगे भी हम जो है चेक करते रहेंगे।